प्रोजेक्ट क्लास खड़ी है यहाँ पे सिविक बीटेक। ये राजी कंटेंट कन्वर्टर, इसको अभी निकालना है हमने। ये जी भाई निकालिए कंटेंट कन्वर्टर। ये चेक करें कितना काला हुआ है भाई ये। अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक हो गया अनदर वीडियो के अंदर। आज हमने बहुत सारे काम करने हैं तो टाइम कम है मेरे पास। तो हम लोग पहले जो है सीधे जो है ना गाड़ियों को स्टार्ट करते हैं और अपने सफ़र की तरफ प्रवास करते हैं अपने खान जी के जोए ऑटो पेंट्स की तरफ। तो जो काम करवाने हैं बेसिकली वो ये काम है कि पिछली बार हम लोगों ने ब्लॉग बनाया था, इस गाड़ी का बम्पर का पेंट करवाना था, वो रह गया था हमारा, ठीक है। तो आज हमें मौका मिला है दोबारा से, हम लोग इसका काम शुरू करवाएंगे दोबारा से। बाकी जो काम है इसके वो ये है कि भाई इसके कैटेटिक कन्वर्टर भी हमने चेंज करवाना है बेसिकली। तो पेट्रोल बहुत पी रही है भाई, पेट्रोल पीती है ना ये गाड़ी, पता तो है आप लोग को। तो वो चेंज करवाना है और उसके बाद फिर हमने इसका सिलेंसर भी ठीक करवाना है क्योंकि वो भी लीक हुआ है। तो अभी चलते हैं अपने लाला जी ऑटो के पास, जोए पेंट्स के पास। तो आप लोग रहे हमारे साथ, जैसा कि हम लोग जो है अपने सफ़र से पहले अपनी गाड़ियों का गेड़ा करवाते जाएँ। अब्बा जी की गल्टस सेल हीटर के साथ 25 की एवरेज के साथ विद हल्के पाँव 80 स्पीड फिफ्थ गियर के साथ। दूसरी पे आ जाए तो रिबॉन ग्रे, भाई इसकी एवरेज की तो बात ही ना करो, 10 से 11 की एवरेज देती है। 1800 सीसी इंजन के साथ अपनी गंदी शक्ल दिखाते हुए, और ये भी अपनी गंदी शक्ल दिखाते हुए। चलो चलते हैं अपनी मर्ज़ी की तरफ प्रवास करते हुए। गाड़ी स्टार्ट करते वक्त पहली वाली चीज़ें जो चेक करते हैं वो इसका ऑयल, उसके बाद फिर इसका पानी, उसके बाद फिर इसके ऑयल वगैरह जो भी होते, ब्रेक ऑयल हो गया। हमको सिखा दिया है, चलते हैं इसको निकालते हैं। ओह, इसको क्या हो गया भाई? अभी तो मैंने इसको बाहर की तरफ खोला था, फिर अंदर की तरफ कैसे आ गया? बस हवा निकल गई। तो भाई साहब गाड़ी शाड़ी निकाल ली है, तो अभी चलते हैं अपनी प्रवास की तरफ। तो जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है पेट्रोल निष्ठा के। चलो चलते हैं अपनी मर्जी की तरफ प्रवास करते भाई साहब हम मौजूद हैं लाला जी खान जी जोए पेंट्स की शॉप पे। शराट खड़ी है पेंट के लिए, इधर मेरी गाड़ी आ गई पेंट के लिए, और बाकी कोई गाड़ी नहीं है। चलो आज शुक्र है टाइम पे आ गए हम लोग। बस पहले रेगमाल मारेंगे, उसके बाद प्रोटीन, फिर रेगमाल, फिर उसके बाद बेस, फिर पेंट। ये देखो जी अब शुरू हो गया। गाइज मैं अभी फ्री हुआ हूँ थोड़ा सा, तो यार सुबह जैसे ही उठा था मैं तो कोई काम शाम कुछ नहीं किया, सीधा मैं इधर आया हूँ जोए पेंट्स की शॉप पे अपनी। तो यार सुबह उठते साथ बंदा नाश्ता करता है, तो भाई ने नाश्ता नहीं किया, तो मैं जा रहा हूँ नाश्ते की तरफ। तो आप लोग से फिर मिलते हैं अपने काम पे। आप लोग हमारे साथ ही रहें ताकि आप लोग को अपडेट्स मिलती रहे। ये भी भाई प्रोजेक्ट कार खड़ी है यहाँ पे, सिविक बीटेक तैयार हो रही है। चलते हैं अपने घर की तरफ। जैसा कि भाई साहब अभी हम घर आए हैं, नाश्ता शाश्ता किया है, थोड़ा सा फ्रेश हुए हैं, ताकत से आई है भाई, एनर्जी आ गई है। अभी चलते हैं अपने खान जी लाला जी ऑटोस के पास, और हमारी गाड़ी आधे से ज़्यादा हो गई होगी, तो चलते हैं इससे पहले कि लेट हो जाए। भाई काम शाम शुरू है, आधा बेस मार लिए, फिर आधा बम्पर वो कर रहा था, तो मैंने कहा भाई नहीं आधा बम्पर नहीं करना। तो अब मैंने उसको कहा पूरा ही करोगे तो पूरा ही करना है, तो फिर अभी वो पूरा बस रेगमाल मार लिए, अभी उस पर बेस मारेगा, बस पेंट शेंट कर लेगा, उसके बाद फिर डन है। फिर हम लोग चलते हैं दूसरे जो काम है हमारा उसकी तरफ। पेंट शेंट तो हो गया, लेकिन ये है कि मैच नहीं हुआ। बस ये डेकर अभी लगने वाला है, इससे शाइन अभी देखना शाइन आएगी इसकी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। पेंट शेंट कम्प्लीट हो गया, अभी चलते हैं अपने दूसरे काम की तरफ। उसके कुछ कुछ निशान है, उसकी जगह मैंने कहा भाई कलम शलम मार दो हल्का हल्का सा, हमको सिखा रहा है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा यार बम्पर शम्पर पेंट हो गया बस, और फिर चलते हैं हम लोग अपने दूसरे काम की तरफ। कैटलिटिक कन्वर्टर चेंज करवाना है। बेसिकली कैटलिटिक कन्वर्टर बेसिकली होता क्या है, आप लोगों को मैं बताता चाहूँ। कैटलिटिक कन्वर्टर गाड़ी की वो चीज़ होती है जिसमें जो है ना गाड़ी का साउंड, गाड़ी की फ्यूल एवरेज, गाड़ी की सारी डस्ट पार्टिकल जितने भी होते हैं ना वो सारी वो कंज्यूम करता है, ठीक है। ये बेसिकली साइलेंसर के साथ होता है। ये जो है ना एग्जॉस्ट की साउंड जो होती है ना उसको खामोश कर देता है, ठीक है। जितना भी गंद होता है ना वो सारा ये कंज्यूम करके अपने पास रख लेता है, जमा कर लेता है। तीसरा काम जो है इसका वो ये है कि भाई ये एवरेज अच्छी हो जाती है इससे, अगर ये बंदे के पास गाड़ी में लगा रहा है। और इसके अंदर जाली होती है, बेसिकली जाली को अगर हम हटा दें तो फिर ये सारा काम छोड़ देता है, फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसको लगा के भी रखें या ना भी लगा के रखें कोई फ़ायदा नहीं है तो इसका। तो अभी चलते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि कौन सी जाली होती है, क्या चीज़ होता है। आ गए हैं जी अपने मैकेनिक की शॉप पे। ये रहा जी कैटलिटिक कन्वर्टर, और ये वाला जो लगा हुआ है इसको निकालना है हमने। ये जी भाई निकालिए कैटलिटिक कन्वर्टर। ये चेक करें कितना काला हुआ है भाई, ये अच्छा बहुत ज़्यादा काला है। अभी बस ये वाला फिट करते हैं और ये निकालिए हमने अभी इसका। यार काम शाम हो रहा है बस, वो भाई अभी खाने के लिए चले गए हैं, खाना खा रहे हैं। उसके बाद फिर बस ये कंप्लीट हो गया। आखिरी दो बोल्ट रह गए नीचे वाले सलेंसर के, वो लग जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी काम शाम हो गया माशाल्लाह से, गाड़ी स्मूथ होगी। अब अपने घर की तरफ जा रहा हूँ बस अभी। उसके बाद इसको थोड़े टाइम बाद जो है फिर वॉश के लिए लेके आएंगे, क्योंकि बम्पर जो है वो पेंट है ना, अभी जब सूख जाएगा उसके बाद लाएंगे इंशाल्लाह फिर उसको सर्विस के लिए। तो जी घर शहर आ गए थे बेसिकली, तो रेस्ट शेस्ट किया अभी थोड़ा सा। तो बेसिकली ऐसा है ना कि गाड़ी जो है ना हम कार मेले के लिए रेडी कर रहे हैं। पार्क व्हील्स की तरफ से होता है कार मेला, यूज्ड गाड़ियों के लिए होता है बेसिकली वो, मतलब जो कार सेल करना चाहते हैं। तो आप लोगों को तो मैंने बताया था कि मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने उसको इधर सीधा करवा ली है, काम शाम उसका करवा ली है मैंने अभी। ये जी अभी हम आ गए सर्विस के लिए, सर्विस करवा ली अल्हम्दुलिल्लाह जी। गाड़ी अभी साफ़ हो गई है, तो बस काम शाम हो गया सारा। बस स्प्रिंग वाला काम रह गया, वो भी करते हैं जाके, देखते हैं अगर होता है सीन तो करते हैं, वरना फिर वो रह जाएगा हमारा। फिर इंशाल्लाह फिर कल जाएंगे इसको लेके। गाड़ी डन होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते हैं नंबर प्लेट पर काम करवाने, बस वो बना रहे हैं। कंप्लीट होती है तो फिर निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा काम शाम हो गया है, तो बस अभी मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। तो अपनी मैं आज की वीडियो का इधर ही अहतमाम कर रहा हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तो आप लोग सपोर्ट करते रहें भाई को, ताकि आप लोग को मेरे चैनल पे डेली व्लॉग्स मिला करें। अल्लाह हाफिज़।